हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज क्या करूँगी, बैकग्राउंड सेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं और फिर उसको उसके अंदर किसी पिक को सेट करते हैं। ओके, फाइल में जाएंगे हम लोग, न्यू पे जाएंगे। ठीक है, हमारा नया प्रोजेक्ट है, हमें किस में सेट करना है, लाइक वेब का ले लेती हूँ मैं पेज, इसमें से कोई भी साइज़ ले लो। अभी सिर्फ सबको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए कोई भी साइज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आता है फिल कलर, फिल कलर में आपका आता है पेंट बकेट, जिसमें आप सिंगल कलर डाल सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं कलर, इस पर क्लिक करेंगे फोरग्राउंड पे, और यहाँ से कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए बैकग्राउंड का। ओके, फिर फिल कर दीजिए, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है मेरे पास फिल कलर के बाद ग्रेडियंट कलर आता है। ग्रेडियंट कलर में हमारे पास यहाँ पर क्लिक करोगे आप प्रॉपर्टी में जाके, तो ये कुछ कलर्स दे रहा है, मुझे इस कलर में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। दिस इज़ योर फर्स्ट कलर, कौन सा चाहिए, मुझे इसी में थोड़ा सा लाइट चाहिए। ओके, दिस इज़ योर सेकंड कलर, ठीक है, कौन सा चाहिए, वाइट कलर शो कर रहा है, यहाँ से हल्का सा ब्लू, या तो इसी पे क्लिक कर सकते हो, इसी का लाइट और डार्क कलर ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया लाइट कलर, ये आ गया डार्क कलर, और ऐड करने हैं शेड्स, तो यहाँ पे क्लिक करके और ऐड कर सकते हो, और डार्क चाहिए दिस वन। ठीक है, ओके कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे लीनियर, इस तरीके से लीनियर कलर शो करेगा, जैसे आपको थोड़ा सा लाइट वाइट दिखानी हो ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ईजिली। छोटा मारोगे तो इस तरीके से बनेंगी, बड़ा मारोगे तो पूरी विंडो में ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से आता है आपका फिर रेडियल, रेडियल ओवल शेप में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसके पीछे इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ से कॉनिकल, ये सारे स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में दिखाना चाहते हो आप। ठीक है, ये आता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लीनियर की तरह होता है आपका, काफ़ी हद तक इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ से आता है डायमंड शेप की तरह आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अब मुझे ये शो कैसे करवाना है, फाइल में जाके ओपन करती हूँ, कोई पिक ले लेते हैं हम डेस्कटॉप पे हमारी। किस में डालें, इसमें ले लेते हैं सिंगल कलर में ना, लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेक्शन करना सिखाया था, इससे सिलेक्शन करेंगे। सिंगल कलर है इसलिए मैं मैजिक वैंड यूज़ कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, हो गया उल्टा सिलेक्शंस। ठीक है, ये माइनस करना मुझे, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, डी सेलेक्ट कर देंगे इसे। ठीक है, देन कॉपी, और जो मेरा ये है इधर जाके पेस्ट। ठीक है, देखो कितना क्लियर कट हुआ है ना आपका, क्योंकि सिंगल कलर था। कंट्रोल टी, साइज इंक्रीज, इस तरीके से। ठीक है, अगर कुछ लिखना चाहते हो तो ये टेक्स्ट टूल आता है, क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ बीच में जाके एंटर मार दो, ये मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट में आ जाएगा। कलर कौन सा चाहिए, मिक्स हो रहा है, वाइट। स्टाइल यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, नाम पता तो नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करो और स्क्रॉल करो माउस से इस तरीके से, जो भी पसंद आए वो ले लो। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन ऐसा लेना कि पढ़ने में आए, वो पढ़ने में नहीं आ रहा था ना, ये सही है। यहाँ से साइज़ इंक्रीज, कितना साइज़ बढ़ाना है, अब देख रहे होगे ये ना आपस में जुड़ रहे हैं ना, यहाँ से लेफ़्ट सेंटर राइट, उसको अभी ठीक करते हैं हम लोग। अगर उसको शार्प करना है, क्रिस्प करना है, ये देखो यहाँ पे हल्का सा फ़र्क आता है, स्मूथ चाहिए, करेक्टर्स आपके स्मूथ होंगे या फिर आपको नन, ये देखो फ़र्क नज़र आया, हल्का हल्का शार्प ले रही हूँ मैं या मैं स्मूथ ले रही हूँ। ठीक है, कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा इसका, अभी हमने इसे किया ही था। ओके, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर टिक, अभी फ़िलहाल मेरा सब कुछ ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, कौन सी शेप में चाहिए, देखो ये रे स्टाइल्स, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
इस तरीके से जो ही तो नहीं है कि मुझे पूरा ही चाहिए हो ना, लाइक चाहिए हो सकता है। यहाँ पे आता है स्टाइल चेंज करने के लिए, ये रहा करेक्टर और पैराग्राफ का, ये मेरे करेक्टर्स हैं, ये साइज़ होता है आपका इस तरीके से। यहाँ से आप गैप को बढ़ा सकते हैं इनके टेक्स्ट के बीच के गैप को, अभी फिलहाल इनके दोनों के बीच कोई गैप ही नहीं है तो दिखा नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे 100% कर सकते हो, ऊपर ले जाना है, बेस लाइन होती है आपकी, बेस लाइन से ऊपर या नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। शिफ्ट करना है सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो बेस लाइन कितने में, 0 से स्टार्ट करना है या थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है बेस लाइन से। यहाँ से इनके गैप को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, बीच के गैप को इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा ये आपका। यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से सबको कैपिटल कर सकते हो आप, यहाँ से स्मॉल कैप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल, बाकी सारे कैपिटल लेकिन स्मॉल केस में। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लगा सकते हो, ऊपर चाहिए टेक्स्ट या नीचे चाहिए। अगर यहाँ से क्लिक कर देती हूँ मैं दोबारा इसमें चेंजेस करने हैं तो डबल क्लिक या सिलेक्शन करके क्लिक, ठीक है, वो चला गया आपका, वापस यहाँ पर क्लिक कर दो आ जाएगा, ये देखो आ गया ऊपर, नीचे चाहिए नीचे, वापस क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अंडरलाइन चाहिए यहाँ पे, ये रही अंडरलाइन, ओके। यहाँ से मुझे स्ट्राइक करना है ये रहा, चलो इतना हो गया हमारा, सिलेक्शन करके यहाँ पे सेट, चलो इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करती हूँ, ठीक है। फाइल में जाओगे आप लोग, ओपन में जाओगे, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले लो जहाँ पे इसको आप खड़ा करना चाहते हो, लाइक इधर, ठीक है। ये मल्टी कलर का बता दिया ना मैंने, अब आपको ये बैकग्राउंड सेट करना सिखाती हूँ। सिलेक्शन करके ड्रैग कर दोगे, ये देखो ये लेयर ऊपर आ गई इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके पीछे है सब कुछ, तो इसे ड्रैग करके नीचे ले आओ, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल टी कर सकते हो आप साइज़ को छोटा करने के लिए क्लाउड के, कंट्रोल टी, लेयर वो सिलेक्ट होनी चाहिए आपकी, ओके। यहाँ से मैंने क्या किया, इनका साइज़ छोटा कर दिया इस तरीके से, और चाहो तो यहाँ पे नंबर दे रखे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, लाइक 30 चाहिए मुझे हाइट, और विड्थ भी कितनी चाहिए 30, एंटर। दिस वन 30 में भी ज़्यादा ही आ रही है, शिफ्ट के साथ करोगे तो चारों तरफ से इक्वल आएगा। देखो मुझे इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, पूरा चाहिए तो ये लो, सॉरी, शिफ्ट के साथ कोने से इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। इसका साइज़ छोटा करना है कंट्रोल टी के साथ, पता ही है आपको, इस तरीके से। और इनका कलर चेंज करना है वो भी पता है आपको, यहाँ से जाके देख लो कौन सा कलर सूट करेगा जो आपको विजिबल हो जाए। ये विजिबल हो रहा है डार्क कलर कोई, ये विजिबल हो रहा है, ये ऑरेंज विजिबल हो जाएगा, ये डार्क में ये हो रहा है, रेड जा रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं यही ले रही हूँ, ओके। नेक्स्ट जब मैं पिक्चर लेती हूँ यहाँ से तो ब्लेंड ऑप्शन आपको पता ही है, करना है सेट तो कर लो, ऑपोसिटी भी पता है, फिल कलर भी पता है, इस तरीके से अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। हैव अ नाइस डे।